एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉप टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी बच्चे BBMQ में UG एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इनका भी देखिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है, तो उनको पेमेंट कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ देखिए सेकंड सिलेक्शन लिस्ट आपका जो होगा वो कब जारी होगा, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले कुछ जानकारी दी हुई कि विनोद बिहारी महतो कुणालचल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में देखिए धनबाद एवं बोकारो में देखिए जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं और ऑप्शनल कॉलेज हैं उन्हीं का देखिए सबके 4 वर्षीय यानी आपका 4 साल का जो नामांकन डिग्री कोर्स है वो स्टार्ट हो गया। पहले दिन देखिए बहुत से कम छात्र छात्राएं, क्योंकि देखिए बीच में टीचर डे था, सेलिब्रेशन था, तो इस कारण में बहुत ही कम छात्र छात्राओं ने एडमिशन लिया। लेकिन देखिए लेट नहीं करिएगा, जिन भी छात्र छात्राओं ने अगर आप जिनका लिस्ट में नाम आ गया जल्द से जल्द अपने कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा, लेट नहीं करिएगा, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ जानकारी दी हुई जो आपको सहायता। अब देखिए पेमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट पर पेमेंट करना है। तो देखिए कुछ कॉलेजों को होता क्या है कि कुछ कुछ अपने कॉलेज की वेबसाइट करवाते हैं, जाता है BBMQ फंड में ही है। ठीक है, डायरेक्टली बोलिए इनडायरेक्टली बोलिए, ठीक है। लेकिन मोस्टली बच्चों को क्या करना है कि पेमेंट करने के लिए आपको झारखंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद जैसे अपने आईडी अपना लॉगिन करते थे उसी तरह सेम प्रोसेस देखिए, यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डाल दीजिएगा, कैप्चा डाल दीजिएगा और ये आपका लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पर जाके आपको क्या करना है, वेबसाइट पर एडमिशन फॉर्म या फिर आप मोस्टली करिएगा पेमेंट सेक्शन या फिर पे भी एप्लीकेशन, दोनों पे जाके क्या कर सकते हैं अपना पेमेंट जो कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए हर कॉलेज का पेमेंट थोड़ा अलग अलग रहता है इसलिए बोल पाना मुश्किल है कि कितना लगने वाला है। 1700-1800 मान के चलिए कि लगभग हर बच्चे का लगने वाला है। ठीक है, तो और ये जो पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा। और देखिए आपको अपने कॉलेज में मोस्टली कॉलेज जमा करने में बोला जाता है कि आपको अपने कॉलेज में जो पेमेंट करिएगा उसका रिसिप्ट निकालिएगा और उस रिसिप्ट को अपने कॉलेज जैसे अपने कॉलेज में एडमिशन कराइएगा उस नंबर पर जो है जमा कर देना है। ठीक है, तो पेमेंट जो होगा वो आपको याद रखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। मोबाइल में आपके पास एक मैसेज आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो चांसलर पोर्टल की वेबसाइट खोल के आप लोग चेक करते रहिएगा कहाँ की लिस्ट में नाम आया है या फिर नहीं आया। ठीक है, देखिए जो भी छात्र छात्राएं लिस्ट के लिए घबराए हुए हैं तो देखिए वोकेशनल कोर्सेज वालों का जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है वो देखिए यहाँ पर आपका जल्द जारी कर दिया जाएगा। लास्ट डेट है देखिए सेकंड सिलेक्शन लिस्ट पब्लिकेशन है वो 10 तारीख को आपको जारी कर दिया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 से लेकर 14 तक कराना पड़ेगा। और जो नॉर्मल वाले हैं देखिए जो रेगुलर सब्जेक्ट अप्लाई किए हैं उनका देखिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जब खत्म हो जाएगा उनके पास सेकंड सिलेक्शन लिस्ट का जो लिस्ट है वो 21 तारीख को जारी किया जाएगा। यानी आपके पास देखिए बहुत समय है, आप घबराइए ना। जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वाला देखिए लास्ट पेमेंट है वो याद रखिएगा 16 तारीख तक किसी बात पेमेंट करना है। जैसे जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ जल्द से जल्द आप लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिएगा तो आपका जितना जल्दी होगा पेमेंट कलेक्ट कर लीजिएगा तो आप लोग निश्चिंत रह पाइएगा, वरना आप लोग थोड़ा टेंशन हो सकता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है पेमेंट बच्चों को फेल हो जाता है बहुत सी देखिए छोटी छोटी वजह है। तो फिर जितना हो सके जल्दी हो सके पेमेंट कर लीजिएगा और पेमेंट चांसलर पोर्टल थ्रू करना है। और देखिए सभी कॉलेज में जमा नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ बार बार, जो पेमेंट रिसिप्ट है पता कर लीजिए कॉलेज वाला बोले तो ही करिएगा, वरना क्यों करना चाहिए झूठ मूठ का। ठीक है, तो इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जितना हो सके अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा।